बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम स्टार्ट से देखते हैं। सर्वप्रथम हम क्रोम या डेस्कटॉप में हो या फिर स्टार्ट में हो तो क्रोम को खोलेंगे और इसमें www.google.com टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पर गूगल ऐप्स पर आके ड्राइव में क्लिक करेंगे और ड्राइव में जाने के बाद माई ड्राइव और गूगल फॉर्म, या न्यू न्यू में जाके गूगल फॉर्म ब्लैंक फॉर्म को क्लिक करते हैं। अब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर सर्वप्रथम टाइटल केमिस्ट्री, या जो आपका विषय है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन चैप्टर वन चैप्टर टू, चैप्टर फर्स्ट भर दें। ठीक, फिर कुछ सेटिंग कर लें, जैसे यहाँ पर थीम्स हैं, थीम्स अपने हिसाब से लगा लीजिए न? और फिर जो महत्वपूर्ण है वो है सेटिंग। सेटिंग पर हम क्लिक करते हैं। सेटिंग पर जर्नल में जाके ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल, और जो हमने लिंक दे रखा है उस पर कितनी बार रिस्पॉन्स देना है उसके लिए यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हैं। एक बार देना है तो एक बार ये लिमिट सेट कर लें। सबमिट, एडिट आफ्टर सबमिट, सबमिट के बाद भी एडिट इसको किया जा सकता है, तो इन चीज़ों को इसमें एक बार एक लिमिट हम इसको कर देते हैं। फिर प्रेजेंटेशन शो प्रोग्रेस बार, और क्विज में सिर्फ ये मेक मेक दिस एक क्विज ऑन कर देना है, फिर इसको शेप कर देना है। अब यहाँ पर हम दो सेक्शन बना सकते हैं सेक्शन से। तो पहले सेक्शन में हम पहले जो सेक्शन हमारा फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट होगा उसका नाम भी हमें देना होगा। तो दो सेक्शन यहाँ से हम ऐड सेक्शन पर जाकर, जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जाकर हम ऐड सेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन दिखा रहा है, जो सेक्शन हमारा फर्स्ट है केमिस्ट्री टेस्ट वन हमने लिख दिया है, और सेक्शन टू में भी यही लिखते हैं। और यहाँ पर रोल नंबर और नाम कलेक्ट करने के लिए जो पहले दिखाई देगा तो उसके लिए हम ये बना देते हैं। यहाँ पर टाइप करते हैं योर नेम, और यहाँ पर शॉर्ट आंसर, अलग अलग प्रकार के हैं जो आंसर हमें देना है, तो इसके लिए क्योंकि ये आंसर टाइप करके होगा तो इसके लिए शॉर्ट आंसर कर देना है, और ये कंपलसरी इसको बनाना है रिक्वायर्ड। और दूसरा जो इसमें ऐड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर प्लस पर हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर रोल नंबर, रोल नंबर ये भी शॉर्ट आंसर, इसको भी शॉर्ट आंसर दे देते हैं और इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब सेक्शन टू में हम कितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं सेक्शन टू में, और अनटाइटल्ड है यहाँ पर हम वही केमिस्ट्री। और डिस्क्रिप्शन में जिसके द्वारा बनाया गया हो या जो भी इसमें लिख सकते हैं, या चैप्टर फर्स्ट। अब क्वेश्चन आंसर टाइप करने के लिए हम यहाँ पर चले जाएंगे, वर्ड में मैंने पहले से टाइप कर रखे हैं, तो क्वेश्चन ये हो जाएगा। यहाँ से हमने राइट क्लिक कॉपी, और जिस क्रोम में जहाँ पर हमने ये खोल रखा था तो वहाँ पर जाकर हम क्या इसको देंगे।
तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या कर देना है, ऐड क्वेश्चन करना है। ऐड क्वेश्चन के बाद ये आ जाएगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद जो हमारे ऑप्शन हैं उन ऑप्शनों को भी यहाँ से हम कॉपी, और फिर यहाँ पर जहाँ ऑप्शन लिखा है उसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं। चार के चार ऑप्शन आ जाते हैं। अब इसमें जो सही आंसर है वो है धात्विक, तीसरा नंबर। उसको सही करने के लिए हम आंसर की में चले जाते हैं। आंसर की में जाने के बाद यहाँ पर नंबर दे देंगे और आंसर इसको सही कर देते हैं। फिर यहाँ पर डन कर देते हैं और इसको भी रिक्वायर्ड का मतलब ये क्वेश्चन अटेंड करना जरूरी है, इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। फिर अगले क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर ऐड क्वेश्चन करते हैं। ऐड क्वेश्चन के लिए फिर वहीं पर जाकर अगला क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर देते हैं और फिर यहाँ पर ठीक उसी तरह पेस्ट कर देंगे। और फिर इसके जो विकल्प हैं उन विकल्पों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं चार के चार और कॉपी, और फिर उसी में जाकर वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट जो विकल्प हैं वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक, फिर इसमें भी जो इसका सही आंसर है और नंबर, इस क्विज में कितना, अगर इस क्विज का सही आंसर दे दें तो कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर सेट कर देते हैं और सही क्वेश्चन पर टिक कर देते हैं और इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब इसको इसी तरह हम इसको कितना भी लंबे कितने क्वेश्चन बना देते हैं, जब हमारे 10 के 10 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं तब हम इसको सेंड करेंगे। जैसे हम सेंड करते हैं तो यहाँ पर हमें इस तरह का ये बटन दिखाई देता है और इस पर हम क्लिक करते हैं लिंक के लिए। ये लिंक का बटन है और ये बहुत बड़ा आ रहा है, इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर शॉर्टन लिंक करते हैं और यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी में किसी को ये लिंक हम सेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से जो सेंड करेंगे इसको, तो यहाँ पर व्हाट्सएप खुला हुआ है और एक जैसे हमारा ये ग्रुप है, इस ग्रुप में हम इसको क्या कर देते हैं, ग्रुप बने हुए हैं इसको सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद ये जो लिंक आ रहा है इस लिंक को डबल क्लिक करते हैं तो 2 बार खुल गया है, ये एक को हम क्रॉस कर देते हैं, 2 बार खुल गया है, इस तरह से दिखेगा। इसमें नेम भर देते हैं हम, जैसे ए सी, या अपना नाम भर दें। रोल नंबर भर दें। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो जो हमारे क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, हमें पता है इसका धात्विक सही किया था हमने और इसका सहसंयोजक किया था, और इस तरह से स्टूडेंट अगर इसको सबमिट कर देता है तो हम स्टूडेंट व्यू स्कोर भी देख सकता है। इस तरह से 2 के 2 सही हैं, 5 में से 5 नंबर आए और टोटल 10 नंबर का था, इस तरह से आ गया। अगर ये ही हमारे पास भी आ जाएगा, इसी का जो सेट है वह हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्स कितनों ने दिया, एक ने दिया चेक करने के लिए, और हम उस रिस्पॉन्स को इंडिविजुअल में जाकर कितने क्वेश्चन सही कर रखे हैं इस तरह से चेक कर सकते हैं, या बहुत सारे अगर हों तो हम इसमें सेपरेट एक क्रिएट सेपरेट शीट का ऑप्शन है इसमें, और उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका नाम रख दीजिए, डिलीट करके इसका कोई नाम दीजिएगा, केमिस्ट्री क्रिएट, और ये क्रिएट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट अगर भी इसमें देते हैं तो यहाँ पर एक अपने आप को यहाँ पर एक्सेल की तरह ये शीट में लिखी हुई कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन सा विकल्प नंबर 1 ने सही कर रखा है,
इस नाम के रोल नंबर ने क्या कर रखा है, तो वो सभी आ जाएगा। बहुत आसान है और आप लोग भी कोशिश करिएगा।